उत्तर प्रदेश के जो भूचड़खाने हैं उन पे कार्रवाई करने का। तो हमारा भारत की सरकार से यह मांग है कि उसको संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। वही बोल रहा है ना, 550 वर्ष का जो व्यक्ति निराकरण कर सकता है, 370 को जो खत्म कर सकता है, ट्रिपल तलाक को जो खत्म कर सकता है, CAA जो लागू कर सकता है, वो व्यक्ति सब कुछ करने वाला है। बस थोड़ा जनजागृति का विषय है, वो हमको विश्वास है कि वो सब चीज हैंडल कर लेंगे। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। आए हुए थे CP लोगों से बात करने की 24 चुनाव पर, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जय गौ माता का नारा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या लिखा है इस पर, गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन लेकर घूम रहे हैं। हम इनसे पूछे कि आखिर इसका मकसद क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और हर जगह नारा लगाकर घूम रहे थे। तभी मैंने सोचा कि बात करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि आखिर मकसद क्या है इसका और कितने लोगों तक आप पहुँच रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो खुद बताएंगे और इनसे पूछते हैं कि ये कब से चल रहे हैं, इसे झंडा लगा के नारा लगा रहे हैं, सब बताएंगे ये लोग। पहले अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम महेंद्र भार्गव है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ जी, और गौ सेवक हूँ जी। गौ सेवक जी, ये जो आप लोग अभी पर्चा लेके घूम रहे हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना। क्योंकि लगा सर, क्योंकि गौ माता को अभी हम लोग माँ तो बोलते हैं, मगर हमारे संविधान में उसको पशु माना गया है। तो हम लोगों की ये मांग है, क्योंकि हिंदू बहुल है अपना भारत, सभी लोग अधिक से अधिक सनातनी हैं और गाय सभी सनातनियों की आस्था का केंद्र है। तो हमारा भारत की सरकार से यह मांग है कि उसको संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हाँ। ऐसी हमारी मांग है। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया है इसके लिए? इसके लिए हम लोग विगत 15 वर्षों से लगे हुए हैं। 15 वर्ष परम पूज्य श्री गोपालमणि महाराज जी के तत्वावधान में हम लोग 15 वर्ष से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2008 में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी ने यमुनोत्री गंगोत्री से वहाँ से पैदल यात्रा की दिल्ली के लिए। दिल्ली तक उन्होंने यात्रा की और राष्ट्रपति भवन में गंगा जी का जल, क्योंकि उस टाइम पे जब बर्फ जमा हुआ था तब उसमें से गंगा जी का जल निकाल के वो राष्ट्रपति भवन पैदल लेकर आए थी। अच्छा। हाँ, प्रतिभा पाटिल देवी सिंह जी थी उस टाइम पे जी, राष्ट्रपति थी उस समय। उन लोगों उन्होंने जल दिया था और उन्होंने गौ गंगा और गौरी की रक्षा के लिए, गौ गंगा गौरी, गौरी यानी अपनी कन्या, उसकी रक्षा के लिए मांग की थी 2008 में। लेकिन ये आंदोलन पहुंचा कहां तक, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 15 सालों से आप लोगों ने क्या क्या जी विगत हम इसमें 4 आंदोलन कर चुके हैं अभी तक, ये 4th आंदोलन है हम लोगों का। ये हम लोगों ने रामलीला मैदान में किया, जंतर मंत्र पे किया 2014, 2016, 18 और ये अब ये हो रहा है हमारा। हाँ। ये 14 सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया आप लोगों के लिए? सरकार में पूर्व में भी सरकार के जो प्रतिनिधि उन लोगों ने हम कई बार आश्वासन दिया कि हम आपकी आस्था को ध्यान में रखते हुए गौ को राष्ट्रमाता शीघ्र ही घोषित करेंगे, मगर सरकार ने आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं किया। पूर्व में हिमाचल सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस विषय में प्रस्ताव पारित किया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता, हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता भारत सरकार शीघ्र घोषित करे। देश भर में गौ माता का नारा लगाते हैं और उस पर वोट लेते हैं वर्तमान सरकार। जी जी, आप लोगों के लिए सरकार नहीं सुन रही बात, जो असल में आप लोग मांग कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, हमको जो वर्तमान सरकार है उससे बहुत अपेक्षा है, क्योंकि यह सरकार हिंदुओं की 9 सालों से है, 16 साल से कर रहे हैं, अपेक्षा जी नहीं, इसलिए 9 साल से इसलिए हमको अपेक्षा है, इसलिए अपेक्षा है क्योंकि उनने राम मंदिर बनवाया है। तो हमको आशा है कि जो राम मंदिर बनवा सकते हैं, 555 कोर्ट ने बनवाया है। हाँ जी, ऐसे कोर्ट ने बनवाया, तो हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए वेदों को, उपनिषदों को, उनको उनकी जो उनका सबूत देते हुए सरकार ने यह सिद्ध किया कि वहाँ राम भगवान का जन्म हुआ था। उसी के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का कहना है कि वेदों का जो हमारे 4 ग्रंथ है उनका उसका हम लोग सबूत देंगे कि गौ माता का इसमें हमारे वेदों में जिक्र है, उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उसको गौ माता राष्ट्रमाता सरकार शीघ्र घोषित करें, ये हमारी सरकार से मांग है। सरकार से ही मांग है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं गाय को माता बना देने से क्या समस्या का हल हो जाएगा, बाकी पशुओं के साथ क्या भेदभाव वाली बात हो जाती है? देखिए आदरणीय, जैसे जैसे बाघ को आप समझते हैं, बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है या जो भी दर्जा प्राप्त है, वैसे ही सरकार अगर ऑर्डिनेंस लाके या अपने पार्लियामेंट में अगर इसको राष्ट्रमाता घोषित करती है तो ये कानून लागू हो जाएगा। कानून लागू हो जाए, कानून लागू होने के बाद बाघ को कोई नहीं मार सकता, अगर मारता तो उसको कानूनी कार्रवाई होती है। जी तो आप चाहते हैं कि गाय के साथ भी यही नियम हो? वो ये सेम नियम लागू हो, और उसके लिए बच्चों के सिलेबस में गाय के विषय में पढ़ाया जाए। नहीं, बहुत कम ऐसे कहीं कोई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इसके विषय में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा। हमारी शिक्षा बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसमें उसको लागू किया जाए, ऐसी हमारी मांग है भारत सरकार से। जी अभी तक सरकार बस जवाब आ रहा है उनके तरफ से? हाँ, और सरकार के बहुत से लोग मिल रहे हैं, प्रतिनिधि मिल रहे हैं, पार्टी के लोग मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम लोग करेंगे ऐसा वैसा, हम लोगों को
यानी आश्वासन मिल रहा है, मगर अभी तो कुछ ठोस कार्रवाई भारत महीने में चुनाव है, क्या लगता है आश्वासन? उसी उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की मांग है कि सरकार इसको यथाशीघ्र करें, क्योंकि हम लोगों की मांग है जो गाय को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अगर वो गाय को लेकर तो उसी पर चुनाव भी लड़ लेते। अरे योगी जी हमारे जंतर मंत्र पे आए जी 2016 में, हमारे जंतर मंत्र धरने पर हमने समर्थन दिया है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब उनने जब पहली कैबिनेट जो मीटिंग ली उनने सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता तो ठीक है, मगर उनने जो उत्तर प्रदेश के जो भूचड़ खाने हैं उन पे कार्रवाई करने का, उत्तर प्रदेश में गाय खुले में घूम रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। नहीं नहीं कारण ये है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, कानून बनाया जाए। जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा जी। इसमें बहुत से प्रावधान है कि छोटे बच्चों को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, शिक्षा उनके लिए, गाय का गोबर खरीदा जाए, गाय से संबंधित उत्पादन बनाए जाए जिससे उसकी आय प्राप्त हो सके, उसका प्रतिपालन हो सके, ऐसी हमारी सरकार से बहुत सी मांगे हैं जो पूरा लिख के रखा है। हाँ पूरा हमने सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 6 महीने में चुनाव है जी जी, ये मुद्दा बनाएंगे आप लोग इस चीज को? देखिए हमारा इसके आधार पर ही वोट करेंगे, नहीं तो नहीं वोट देंगे आपको? नहीं हम लोगों का तो है जी, गौ माता अगर राष्ट्र सरकार बनाएगी तभी हम वोट करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे जी, वरना बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे जी हम बिल्कुल, बिल्कुल बाकी और कुछ काम पर नहीं करेंगे नहीं। राम मंदिर बना दिया आप ही बोल हम क्या बोल रहे हैं, जो जो गाय को लाएंगे हम उनको लाएंगे जी, हम हमारे स्पष्ट बोल रहे हैं, नारा था जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब हम बोल रहे हैं जी गाय को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो गाय को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अच्छा, उम्मीद है मोदी जी लाएंगे? बिल्कुल जी उनसे आशा है, हम वही बोल रहे हैं ना, 550 वर्ष का जो व्यक्ति निराकरण कर सकता है, 370 को जो खत्म कर सकता है, ट्रिपल तलाक को जो खत्म कर सकता है, CA जो लागू कर सकता है, वो व्यक्ति सब कुछ करने वाला है, बस थोड़ा जन जागृति का विषय है, वो हमको विश्वास है कि ये वो सब चीज हैंडल कर लेंगे। अच्छा, आप सब यूपी से एमपी से हैं? मैं राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से, चलिए अभी चुनाव होना बाकी है वहाँ। हाँ वो एक अलग विषय, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कौन सा सवाल? आपने एक सवाल किया था कि अगर गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। लेकिन सवाल करने वाले करते हैं। नहीं नहीं ये तो सवाल जो करता है उसी का सवाल ही गलत है ना, क्यों गाय उपयोगी के साथ साथ पूजनीय भी है, बाकी कोई चाहे पूजनीय नहीं है। आप जो शंकर जी के साथ रहते, अरे गाय का वो तो एक गाय में नंदी में भेद नहीं है, ये तो उनकी ये जहाँ खोपड़ा खराब है वो भेद करते हैं ना। अच्छा, गाय और भैंस में भेद, जैसे हम मानव जाति है तो मानव स्त्री और पुरुष का भेद तो हमारी नजर में है, बाकी हम तो मानव है, वैसे गाय और बैल में फर्क ही नहीं है, ये यही तो भेदभाव है कि बैल है काट दो, गाय है बुढ़ियों के काट दो, ये तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाय जो विषय है वो इतना बड़ा विषय है कि इनकी वहां तक सोच जा ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत आइडिया दीजिए ना कि क्यों गाय को इतना इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं? क्योंकि नहीं पता है, गाय एक जो विषय है वो एक शास्त्र संबंध विषय है और शास्त्र संबंध तक इन राजनेताओं के हो सकता है वहां तक पहुंच नहीं पहुंची हो। अच्छा। ये एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है, गाय अध्यात्म से जुड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक लोग इसका अपना तुष्टिकरण की राजनीतिकरण गाय और बैल अलग बना दिया। और हमारा विषय है कि हम तो सबसे पहले भारत सरकार से सवाल यही करते हैं कि आप बताओ गाय पशु है या माँ है? जब आप माँ मानते हो? भाई मैं नहीं, मेरा शास्त्र गाय को माता मानता है, पशुओं ने गावे सारे शास्त्र कहते हैं गाय पशु नहीं है। चुनाव हो रहा है राजस्थान से है, वहाँ भी चुनाव हो रहा है, अभी क्या ये बना रहे आप लोग मुद्दा इस चीज को? देखो ये मुद्दा बना बनाया है, ये आज का मुद्दा नहीं, ये बनाया बनाया हिमाचल चुनाव में सरकार थोड़ा एक्टिव नजर आती है। हाँ ये बना बनाया मुद्दा है, सरकारों सब के ध्यान में रखे काम भी हो रहा है, जैसे हिमाचल सरकार ने गौ माता राष्ट्र माता अपनी संसद से पारित कर दिया था, राज्यसभा से पारित कर दिया, वहाँ से विधानसभा से पारित कर दिया, उत्तराखंड सरकार ने अपनी विधानसभा से गौ माता राष्ट्र माता पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अब केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपने सही जैसे क्यों नहीं बोलते? हमने वहाँ भी विज्ञापन दिया, वहाँ भी रैलियां करी है, हम पूरे भारत के सभी राजधानी में रैलियां कर चुके हैं, एक एक जिले में जाके रैलियां कर चुके हैं गौ माता राष्ट्र माता को। हाँ और गाय को पशु मंत्रालय अलग हो, गाय बाकी बिल्कुल क्यों नहीं गंगा मंत्रालय? अच्छा मैंने आपको पहले भी कहा मिलेगा जी भैया, सुनो मैंने आपको पहले भी सुनो मैं सरकार का बहुत डिमांड है, पूरी बात कंप्लीट करेंगे, गाय इतना बड़ा विषय है पूरे विश्व का भरण पोषण गाय ही कर सकती है, बाकी दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकते। आपसे एक मेरा सवाल है, भारतीय स्त्री है पुरुष है? भारत स्त्री है पुरुष? आपसे सवाल है मेरा, बताओ स्त्री भारत लड़के का नाम था तो फिर भारत माता शब्द क्यों जुड़ गया? भारत माता की जय, पागल है? नहीं पागल तो नहीं तो है, इसका लॉजिक क्या है आप बताएंगे लॉजिक? क्योंकि भारत धरती है तो गौ माता है साक्षात, जब त्रेता में कलयुग में द्वापर जब भी इस धरती पर संकट आता है तो ये धरती गाय का अवतार लेके भगवान के पास जाती है, इसीलिए इस धरती को माता कहा जाता है, इसीलिए सवाल करते हैं। हाँ नहीं पूछो नहीं राजा, इनकी बुद्धि खराब होगी इनकी, जो सवाल करते हैं। हाँ कि भारत का माता क्यों जुड़ गया? अभी भारत पुरुष है, मैं बोलो राम माता की जय बोलेगा मेरे साथ, बोलेगा कोई नहीं, तो भारत कैसे जुड़ गया भाई?
ये शासन समाज विषय है, इन राजनेताओं की बस की बात नहीं, रोजगार की बात रही। हम जो हमारी सरकारों से निवेदन है कि हमें अनुदान नहीं चाहिए गाय के लिए, हमें सम्मान चाहिए। योगी जी दे रहे हैं अनुदान, ये गलत परंपरा है, क्योंकि गाय को हम भीख, कोई बच्चा अपनी माँ को माता पिता को भीख मांग के नहीं पाल सकता। गाय भिखारन नहीं है जो गाय के लिए भीख मांगे, वो जगत पिता है, जगत की माता है, इसीलिए गाय के लिए भीख की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग, जो सरकारें गायों के लिए अनुदान के लिए पैसे देती है, हम तो कहते हैं उन्हीं पैसे से गोबर और गौमूत्र खरीद लो, एक भी गाय गली में नहीं मिली, गारंटी लिखवा लो हमसे भाई। आप 5 करोड़ रुपए का अनुदान दे दो, 5 करोड़ का गोबर और गौमूत्र खरीद लो किसान से, वो गाय को घर से निकालेगा नहीं, समाधान हो जाएगा ना, गाय पॉलिथिन खाएगी ना गाय गली में भटकेगी, और गोबर से गौमूत्र से दुनिया की सर्वोत्तम खाद बनती है, किसानों को खाद दे दो बदले में, उसको खाद मिल जाएगी, कहाँ जरूरत है यूरिया डालने की खेतों में, सारी जड़ एक ही, सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, गाय गौ माता को आत्मा सम्मान दे दो, सारी समस्याओं का हल अपना हो जाएगा। घूमते रहेंगे ऐसे चुनाव तक, जब तक सांस है तब तक घूमते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण दान, श्रवण जी राजस्थान से। 1 मिनट इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? हम केदार जी है। कहाँ से? एमपी से। एमपी से, जी जी। साथ में शायद है? जी जी, सब साथ। क्या मांग है आपका? यह राष्ट्रमाता घोषित करने का है हमारा मांग। आपने एक बात बोला था कि गाय से रोजगार उत्पन्न हो। जी जी जी, 100 करोड़ में से हम 1 करोड़ और 30 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? गोबर से 140 तरह की चीजें बन सकती हैं, खाद से लगा के हमारे जो घर में उपयोग होने वाली सभी सारी ये 1 लाख रुपए किलो गोबर का है, चिप्स है ये गोबर का, ऐसे रेडिएशन नहीं आता है, गोबर की माला ये गोबर की माला। नहीं, आप अपना फोन लीजिए जरा अच्छे से बताइए इसको, रोजगार वाली बात। देखो ये इसको साइड करो, देखो सबसे पहली बात है कि गाय पूजनी क्यों है, पहली बात गाय विश्वस्त मात्रा है, पहली बात यह है। देखिए ये गाय का गोबर है, ये 1 ग्राम गोबर गाय का मात्र भी है। अच्छा। हम इसको बेचते हैं 50 रुपए में किलो, कितना? एक ये चिप्स, एक चिप 50 रुपए, 1 ग्राम गोबर 50 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 1 लाख रुपए किलो गोबर। फिर माला है, ऐसे 100-200 प्रोडक्ट बनते हैं, ये माला पहनी हुई है गोबर की माला, ये देखिए ये गोबर की माला, ये गोबर की माला, ये गोबर का माला, देखना चाहिए हमारे कैमरे में भी लोग देखेंगे जरा। अरे ये गोबर की माला, ये देखो ये गोबर की माला, गोबर की माला है। नहीं नहीं, ये छोटी वाली गोबर की माला, छोटी वाली, हाँ काला वाला, हाँ ये गोबर की माला, गोबर का बना है, ये गोबर का बना है, मैं खुद बनाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में, ना 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 गोंद है, बस इसमें सिर्फ गोंद है और गोबर है, उसमें कुछ नहीं है, इसमें चिपकेगा ये। और इसका इसका एक मालूम वैज्ञानिक कारण ये है, आपको हार्ट अटैक कैसे ही, हार्ट अटैक हो और आपको ब्लड प्रेशर कैसे ही हो, यदि माला धारण कर ली 3 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक खत्म होगा। अब ये भी नहीं पहनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आजकल के भाई और आजकल की माता बहन है बोलती, हाँ साइंस साइंस से बात, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आप गाय माता के पास जाओ, उसकी पीठ पे 15 बार हाथ धरो, डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, गाय महान है। और जो लोग गाय जो लोग अपने घर में गाय रख रखे हैं, डेयरी खोल रखे हैं, उनको भी तो बीपी होता है, ब्लड उनको बीपी होता है, लेकिन वो गाय को पशु मानते हैं, इसलिए बीपी होता है, हम गाय को माँ मानते हैं, और माँ अपने पुत्र की हर प्रकार की बीमारियां ठीक करती है, इसके लिए देसी गाय, और उसने गाय में जर्सी रखी है, वो जर्सी गाय गाय नहीं है, वो सुअर है, उसके दूध पीने से कैंसर होता है, और ये देसी गाय के दूध पीने से कैंसर बीमारी, हाँ अलग अलग वैरायटी है, भारतीय नस्ल की गाय है, गौ सदृश गौ शास्त्र कहते हैं, गाय के जैसा दिखता है वो तो पशु है, वो पशु है, वो पशु नहीं है, जिस पशु का लगाव है, अभी तो विश्वास नहीं कर रहे, एक बात मैं इसका उसका प्रूफ, उसका प्रूफ उसका प्रूफ कर सकता हूँ, उसका प्रूफ ये है कि गाय का जो गोबर होता है, देसी गाय गोबर होता है, उसकी खुशबू लीजिए, गूगल की सुगंध उसमें आ गई, गूगला था गूगल, उसकी सुगंध आएगी उसमें, और वो जर्सी की ले लो आप, उल्टी कर दोगे, अरे वो गोबर ही नहीं बनता, उल्टी कर दोगे आप, ये है। और जो देसी गाय का जो गौमूत्र होता है, उसमें यदि हल्दी मिला के यदि आपने सेवन कर लिया 3 महीने, तीसरे स्टेज का कैंसर भी खत्म होता है, तीसरे स्टेज का कैंसर मैंने खुद ने खत्म किया है। मैं चैलेंज मैं भी 4 दिन अभी दिल्ली में हूँ, यदि कोई कैंसर वाला व्यक्ति हो, अरुण कुमार मालवी, मेरा मोबाइल नंबर है 9424006756, मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कोई बीमारी भी हो एक फोन लगाओ, फोन पे हर बीमारी ठीक होगी आपकी, फोन पे हर बीमारी ठीक होगी। बनता कहाँ है और इसका निर्माण कैसे आप लोग? ये बनता मेरे खुद का घर ही बनता है, ये इसका निर्माण भी खुद ही करता हूँ, सही चीज का निर्माण भी करता हूँ, मेरा खुद का न्यूज चैनल भी है वर्ल्ड स्वराज न्यूज के नाम से, हाँ अच्छा। एक व्यक्ति हूँ, 100 काम करता हूँ एक दिन भर में,
हाँ सौ काम करता हूँ, गौमूत्र की कृपा है और मेरी इनकम, मेरी इनकम गाय का मूत्र 2000 रुपए लीटर बेचता हूँ मैं, 2000 रुपए लीटर बेचता हूँ गाय का मूत्र में। अरे पेशेंट कैंसर वाला, आपका नंबर दिया मैंने, पेशेंट आएंगे जो कैंसर वाले आएंगे, सारे सारे विमान सरकार आपके लिए काम कर रही है। हरा दिया मध्य प्रदेश में, रिजल्ट अभी सरकार हर गई है। कौन हर रही? कल वोटिंग, अभी कल वोटिंग करके आए हमने, एमपी सरकार ने अभी गाय की बात नहीं मानी। अब कांग्रेस बैठने वाली वहाँ पे, कांग्रेस बैठने वाली पक्का। मैं सर्वे पूरा करके आ गया हूँ, अभी वो सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं आ रही, गाय की बात नहीं रखी। आजकल क्या हुआ, गाय को सबसे अधिक जो अपना पिंक रेवेन्यू है उसमें नंबर वन बना दे मोदी जी ने। बनाना क्या चाहिए था, गाय का देश महान होना चाहिए था, लेकिन वही गाय को काट काट के भेज रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही तो है। और आज आज संस्कृति वाली बात आप कह रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं, मोदी जी के ऊपर के इल्जाम लगा रहे हो कि मोदी जी आपकी, आप लोग ये आप लोग हमेशा जो एक एक वो मुद्दा उठा रहे थे ना कि मोदी जी ने गलत करा, मोदी जी ने क्या करा, आपकी मेरी बात सुनो, आप लोग गाय पालते हो, आप लोग दूध आप लोग निकालते हो, दूध आप लोग बेचते हो, मूत आप गाय मूत्र आप देखते हो, और रोटी खाने के लिए गाय को आप कहीं और बेच देते हो। नहीं भेजा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जितने भी गाय बेचती है खुले गाय होगी, नहीं मेरी बात सुनो, जो लोग पालते भी है ना, जो खुली गाय की बात कर रहे हैं, आपकी बात इनका जवाब प्रेम से दे रहा हूँ। देखिए बात, हाँ सिंपल, आप सुनना फिर मैं आपको फिर जवाब दूंगा मैं। ये कारण 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 ये है, देखिए भाई साहब बोल रहे हैं कि दूध निकाला छोड़ दिया, वो कहने की हमारी गलती भी है, ठीक है, लेकिन गलती भी है, लेकिन यदि हम आज जागरण कर रहे हैं, यदि वो युवा गाय को पाले तो लाखों रुपए कमा सकता है। और लेकिन मोदी जी की बात हमने इसलिए की क्योंकि आज प्रधानमंत्री है और सबसे अधिक गोमांस बेचने का काम भी यही है और सबसे अधिक बुचड़खाने खुले उनके राज्य में, बंद नहीं किए गए हैं, इसलिए मोदी जी की बात ही आएगी, मोदी जी की बात रहेगी और मोदी जी की बात हम बोलेंगे ही। यूपी के अंदर कितने आपके बुचड़खाने बंद करवा दिए? हाँ यूपी के अंदर सबसे ज्यादा ये सब होते हैं। वो मेरी बात सुनिए, अब आपका जवाब दे रहा हूँ, ये मोदी जी के राज के बाद की बात है, सुनिएगा। देखिए मेरी बात, मैं इसका उत्तर सुनिए, ठीक है, कौन से बुचड़खाने बंद करवाए आपने, जिनका लाइसेंस था वो बंद करवाए, जिनका लाइसेंस था वो आज चल रहे यूपी के अंदर, देख लो जिनके पास लाइसेंस था उनको बंद करवाया है, लाइसेंस वाला आज भी चल रहा है यूपी के अंदर। सब बंद हो जाए, सब पूरे बंद होना क्या मतलब है, सब बंद हो क्यों, क्यों प्रकृति का नियम है ना कि एक दूसरे के ऊपर चलता है, काटे क्यों, काटे क्यों। सरकार से हमारा निवेदन है, अगर मानो सरकार की ऐसी कुछ संधियां हैं, अगर विदेशों से संधियां हैं, हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो देसी जो भारतीय नस्ल की गाय है उसको ना काटें, बाकी जिसको काटना है वो काटें। मेरी बात सुनिए, हां जो जिसको काटना है काटें, हमारी जो सनातन धर्म की जो मूल आधार गौ माता है, देसी नस्ल की गाय जिसका गलकम्बल बड़ा होता है, जिसका कंधा बड़ा होता है, वो देसी नस्ल गाय होती है, उसको छोड़कर जिसको काटना है उस जानवर को आप काटिए। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप साइकिल की बात कर रहे थे कि साइकिल कैसे चलेगा, तो जो जो जानवर जानवर खा सकते हैं, आज इंसान जानवर को खा रहा है, कौन सा साइकिल है बताइए आप, साइकिल कौन सा साइकिल की बात कर रहे हो आप, जानवर जानवर खा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाएगा वो तो, लेकिन आज इंसान जानवर खा रहा है तो कौन सा साइकिल की बात हो रही, ये गलत है, गलत है, ये सरासर गलत है। और आज सब आज भारत की सरकार संस्कृति को मानने वाली है, सबसे संस्कृति हमारी गोमाता है, काम कहाँ हो रहा है, यदि आज हमने, अभी मेरी बात सुनिए, आज हम भी हिंदू तो है, हिंदू को मानने वाले हैं, बीजेपी को वोट करने वाले हैं, लेकिन क्यों हम रुष्ट क्यों हैं, एमपी में क्यों नहीं किए वोट, एमपी में कांग्रेस जीतेगी तो आपका ये नहीं, एमपी में खत्म हो जाएगा क्यों, फिर हम उनसे बात करेंगे ना हम, क्यों अब मेरे पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, क्यों सबक सिखाया, क्योंकि जो जो घमंड, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, चाहे वो नहीं करे नहीं करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो घमंड होता ना, घमंड कम किया मात्र बस, क्या मैं जो अहम बढ़ रहा ना, अहम खत्म हो, डबल साइड फिर वही बीजेपी वाला फिर वही करेंगे, वही करेंगे। कोई सवाल और है आपका, बताइए, और कोई सवाल नहीं है, कहाँ से आप, हम तो यही दिल्ली, दिल्ली से, हाँ जी, उत्तर नाम है, विकास नाम है, विकास। अरे मेरे भाई के में भी बहुत दर्द है, क्योंकि वो उसके भी गौ माता के लिए, उसके भी दर्द में, वो भी चाहता है कि गौ माता राष्ट्र माता शीघ्र घर, दर्द में हमारा विकास भाई, विकास जी नाम है आपका ना, क्या लगता है कि 6 महीने में चुनाव होने वाला है, इनका दर्द सुना जाएगा, जी सुना जाएगा, जिस हिसाब से प्रचार कर रहे, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये इनका जो ये इनके वोट, हाँ जी इनके, हाँ जी देखिए गाय जो है आपके सबके माँ पिताजी, माँ मानने की परंपरा है, आप उसके खिलाफ बोलिए, माँ बोले है ना, उसके माता को
सबको माँ माना है ना, माँ माना है ना, गो माता को सबको माँ मानता है ना, लेकिन उसको सम्मान देने में प्रॉब्लम। सम्मान देने के लिए साथ है, हमने क्या, मैंने राष्ट्र माता घोषित करिए ना, राष्ट्र माता घोषित करो। आप ये कह रहे हो ना कि मैं खिलाफ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, कोई अपनी माँ को बाहर नहीं भेजता, ये बात बोली है। हाँ, सही। मैंने कोई ये नहीं बोला, सम्मान की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, जनरल बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज देख रहे हैं आप वर्तमान परिवेश में, वर्तमान में हूँ मैं, अपन लोग भी है ना, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माता पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं। ये प्रवृत्ति मानव की भी हो गई है, तो प्रवृत्ति मानव के प्रति ये प्रवृत्ति है, तो स्वाभाविक गाय की प्रति तो उसकी प्रवृत्ति होगी। जब वो अपने माता पिता को बाहर निकाल सकता है, सबको निकाल सकता है, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो गाय को अवलंब राष्ट्र माता को दे। वही कह रहे हैं कि गाय जो भी है, ये काम है ना, ये है कि गाय को जो बंदा पालता है वो उसे बाहर ना छोड़े, उसे जैसे जैसे उसका बंदों का इलाज करने के लिए, बंदों का इलाज करने के लिए हम सरकार से कानून की मांग कर रहे हैं। आप रहने दिया जाए, थोड़ा सा लेके आइए, एक मिनट इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर।